साथियों, आज जो आपको जो वीडियो जो दिखा रहे हैं, तो ये बिराड़ गांव से दिखा रहे हैं। तो ये बिराड़ है जी, तो ये राजपूत है। बिराड़ राजपूत, हाँ। तो ये बिराड़ है जी राजपूतों का, और ये बिल्कुल ये टीकरी के आसपास है। ये जो साथियों भैंस है, देखो मेरे हिसाब से तो ये 20 किलो वाली भैंस है, और आम पशुपालक के यहाँ है तो ये 16-17 किलो दूध दे रही, और बड़ी अच्छी झोटी है। अगर इसकी अच्छी डाइट हो तो आज इसकी हमने जो सीमन लगा AI की है, और जो मुर्रा नस्ल का सांड लगा तो वो BN 330 है, और हिसार का HLDB का सांड है, प्रोवन जो बुल है, जो दूध की कटिया पैदा ही करेगा। अब तो वो सांड है जो मर चुका, और हम आए हैं यहाँ जो मतलब कि साथियों हमारे पास में है, ज़्यादा दूर नहीं, 11-12 किलोमीटर दूर है। और आज वीडियो में बने रहो, मैं आपका अपना साथी डॉक्टर राहुल तोमर, साथियों जिला बाग उत्तर प्रदेश। तो आओ साथियों जी, तो ये मज़ेदार वीडियो आज तो यहाँ से शुरू करते हैं। आइए साथियों, जो आज तो ये मुर्रा नस्ल की वैसे तो जो आप देख रहे हो, इसकी AI की है, और गांव है जी ये साथियों, जो ये बिराड़ का है। तो शामली तो इधर कहाँ से है? लास्ट कम है। देखिए साथियों, ये दूसरे की झोटी है, और ये राहुल भाई की है, और तो इसकी देखो अच्छी क्वालिटी है बहुत। साथियों बरीकत है, देखो ये आपको जो ये झोटी का जो ये मकसद है दिखाने का, बड़ी अच्छी झोटी है। एक बार दूध भी पूछेंगे इसमें दूध कितना है, बहुत नस्लदार है। कि कागजी बच्ची बोलते हैं जिसे, जो जो कागजी भैंस है, और दूसरे की बिल्कुल पक्की है कन्फर्म। और आज इसकी AI की है, तो वो किस बुल से की है? AI की है जी इसकी, हिसार HLDB का बुल है, BN 330। वो बड़ा अच्छा सांड है, बड़ी दूध कटिया पैदा करने वाला। हाँ सुनाओ, नमस्कार जी। जी अपना परिचय बताओ जी। नाम है मेरा राहुल। हाँ जी। नाम है मेरा बिराल। हाँ। जिला मुजफ्फरनगर। जी जी, बिराल राजपूत। तो ये साथियों, तो ये राजपूत भाई है, जो जो हमारे छतरी कौम है। हाँ इधर खड़े हो। हाँ, तो अच्छे शौकीन हैं, और गांव में स्टोर भी चलाते हो? अच्छा, तो भाई बैठे हैं। तो आपने ये भैंस कहाँ से ली थी? ये बामनोली गांव पड़े हैं। बामनोली गांव है, टीकरी के पास। टीकरी के पास तो गांव। हाँ बामनोली गांव बताया ना आप। अच्छा, तो इसमें कितना दूध है फिलहाल तैयार? 17+ है। तो 17 किलो, तो ज़्यादा खुराक उराक भी नहीं करते? नहीं, नॉर्मल डाइट है साथियों, नॉर्मल डाइट है, ज़्यादा वो नहीं खुराक। आर पार की जो वो नाज गिर दिया, कुछ गिर दिया ज़्यादा, पर जो चोकर जो बता रहे थे बिनोड़े खड़। हाँ अच्छा अच्छा, तो ये कितने में ली थी, तो ये भी बताओ एक बार। बताओ नहीं वो माल का माल भी कह रहे हैं। 130 में। हाँ, 130,000 में ली साथियों। देखिए रेट भी ठीक है वाजिब है, ना महंगी ना मंदी, इतने का माल है, इतने का धन। देखो सिंग तो थोड़े सिंग पहले थे, घिस रखे या थे यहाँ के घिसे? नहीं वो तो बड़े रहे, थोड़े से बड़े रहे। नहीं ये सिंग घिस रखे ना, और नहीं सिंग ऐसे तो कोई मारती नहीं सिंग में कहीं। हाँ सिंग से घिसे हुए जैसे तो हुए, तो ये मतलब बनती आई। अच्छा तो कुछ नहीं है। तो साथियों आज तो इनके पास में एक यूनिक चीज और आपको दिखाएंगे, तो इनके जो है जो पिलंग, तो वो पिलंग और दिखाओ जी राहुल भाई एक बार। देखिए साथियों, जो मतलब पिलंग भी एक यूनिक चीज़ है, पता नहीं कितने साल पुराने, मुझे तो ऐसे लग रहे कि 1700 से 1800 साल पुराने ना हुए। चलो एक बार लाइट सी कर दो अंदर। देखिए साथियों, हमारी तो जो ये चार कौम है जी, छतरी कौम है, हमारे गुज्जर भी, हमारे यादव भी, तो जाट भी और ठाकुर भी, तो हमारे चारों जो कौमों में से छतरी कौम में से है भाइयों, और हमें एक दूसरे का मान सम्मान भी करना चाहिए कि नहीं अगर हम ही छतरी है कि छतरी चारू है। तो ये कितने साल पुराना है जी? मतलब ये जो इसकी जो बाही भी तो है जी, 7 की है? नहीं ये दोबारा की गिरवाई है, ये 7 की। देख लो जी कितनी यूनिक चीज है। और तो ये दोनों बराबर ही तो होंगे 7 की? हाँ ये तो। देखिए साथियों भाई, तो ये तो असली साल के हैं, तो भाई लोहे से भी ज्यादा भयंकर है, तो लोहा भी जो शायद खराब हो जाए, पर यूं खराब नहीं हुआ भाई वाकई। हाँ तो लकड़ी की ज्यादा उम्र है, और देखो ये लकड़ी भी ऊपर ये है जो, ये भी साल की जो ये लग रही मुझे है। जी जी जी, चलो। तो साथियों आज यहाँ AI की है, और जो मतलब बुल के थोड़े से जो विषय पर आपको ज्ञान देंगे कि बुल हमें जो मतलब कौन सा यूज करना चाहिए। सरकारी फार्म के बुल यूज करो,
प्राइवेट में भी कुछ बुल अच्छे हैं, वे भी यूज आप कर सकते हो जिनके माँ बाप का दूध का रिकॉर्ड है, वरना आजकल तो इंजेक्शन लगा लग रहे हैं सेमेटोट्रोपिन। अगर भैंस में दूध 18 किलो दूध तुलवा देंगे 28-30 किलो, तो जो हमें उनसे बचना है। और सरकारी फार्म का हमने ये इसी वजह से राहुल जो राहुल भाई की भैंस को टिक्का इसी वजह से लगाया कि भाई ये पुराने बुल है और रिकॉर्ड भी जो इसका अच्छा है, जो बिना इंजेक्शन के है, मतलब जो चीज़ है जो करीम है, दूध की आगे कटिया पैदा तो होगी हम आगे उम्मीद कर सकते हैं, जो मतलब गारंटी कुछ नहीं है। तो साथियों अच्छी नस्ल सुधार करो, अच्छे आदमी को सच बताओ, कोई झूठ बहाना बताओ। तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, आज की वीडियो हमें ये बताना, तो ये एक आम पशुपालक के जो घर से है, बिल्कुल साधारण है पशुपालक, तो ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी। जय गो माता, जय भारत, मेरा भारत महान।